एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस लुक लाइक अ वर्ल्ड वॉर। भाई डंकी और सालार का जो क्लैश है वो अभी से नहीं चल रहा है, वो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, एक डेढ़ महीने पहले से। लेकिन ये लड़ाई, ये जो क्लैश है, इस हद तक पहुंच जाएगा, इसका ये नंगा नाच हमें देखने को मिलेगा। भाई मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि लास्ट एंड टाइम पर ऐसे चीज भी हमें देखने को मिलेंगी। दिस इज लिटरली नॉट एक्सेप्टिंग यार, क्योंकि भाई एक तरफ देखा जाए तो शाहरुख खान, आपने दो मूवी पहले ही ब्लॉकबस्टर हिट दे रखी है, आपका कमबैक हो चुका है, बट सालार के लिए ये डिसीजन लेना, सालार के लिए ऐसे गड्ढे खोदना भाई सामने से, मतलब यार इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतना बड़ा मेजोरिटी लेवल आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा। भाई बहुत गंदे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। भाई बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि भाई सालार को डे वन पर, फ्राइडे को, मतलब परसों को, जब सालार का फर्स्ट ओपनिंग डे होगा एंड डंकी का सेकेंड डे होगा, भाई नॉर्थ बेल्ट में, इट मीन्स ये कि हिंदी बेल्ट में कोई भी शोज नहीं दिए जा रहे हैं। नेशनल चेंज में कहाँ पर, PVR, INX एंड विराज सिनेमा में, एंड कुछ एक सिंगल स्क्रीन्स हैं जो नॉर्थ में, बिल्कुल भी कोई भी शोज सालार को नहीं दिए जा रहे हैं। तो भाई इसका सीधा सीधा हाथ क्या हो सकता है, भाई खुद अपने ये नेशनल चेंज वाले या फिर सिनेमा थिएटरल वाले खुद तो नहीं चाहेंगे कि हमें यहाँ से घाटा देखने को मिले। भाई साहब सालार बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, बहुत बड़ी, क्योंकि अगर ये बिजनेस करेगी तो भाई साहब ऑटोमेटिकली इनको भी बिजनेस मिलेगा जो PVR INX, बट यार बहुत बुरा सिनेरियो हुआ है, मतलब ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग, खासकर शाहरुख खान से तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भाई साहब बहुत गंदे लेवल का गेम चल गया है, फैंस यार भर भर के गालियां दे रहे हैं, प्रभास के फैंस भी फुल एक्टिव हैं इस टाइम पर। भाई वो बिल्कुल स्टैंड लेने में, प्रभास का स्टैंड लेने में बिल्कुल भी कमी नहीं करी, उनके बिहाव से जो भी हो सकता था, जो क्विक डिसीजंस लिए हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है #boycottPVR INX है, मतलब PVR INX को बॉयकॉट करने की फुल ट्रेंडिंग चल रही है, और हमें शाहरुख खान और अजय बिजली जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसके, PVR INX के, भाई फुल गालियां मिल रही है, बहुत पेल के गालियां मिल रही है, क्योंकि डार्लिंग प्रभास के फैंस ना बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुके हैं। भाई दूसरी बात ये कि यार इस मूवी के लिए बहुत लंबे समय से वेट करा जा रहा था, लेकिन लास्ट में यार ये चीज़ हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। ठीक है भाई, प्रशांत नील जो डायरेक्टर हैं सालार के, उन्होंने तक ये चीज़ बोली थी कि भाई मैं खुद डंकी मूवी देखने जाऊँगा, लेकिन यार शाहरुख खान जो फिर डंकी के मेकर से, या फिर जो भी कह लो, उनकी तरफ से ऐसा स्टैंड लिया जाएगा उस मूवी के लिए, भाई ये क्या दिखाता है कि आप लोग पहले ही डर गए, मतलब मैदान में उतरने से पहले ही आप लोगों ने हार मान ली और आपने ये डिसीजन भी ले लिया। इफ़ यू हैव पावर लिटिल बिट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी सो डोंट मेक इट रॉन्ग यार, ये बिल्कुल भी, मतलब ये गली नुक्कड़ वाली, ये भाई बहुत गंदे लेवल का फाइट है यार, ये चीज़ तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है फैंस कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी हस्तियां ऐसे करने लग जाएंगी तो क्या ही इमेज रह जाएगी आप लोगों की। भाई यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, PVR INX को तो घाटा मिल ही रहा है, बहुत गंदा घाटा, बहुत शेयर्स उसके डाउन हो चुके हैं विद इन मिनट, एक घंटा भी नहीं हुआ कि ट्विटर पर भाई साहब 1,00,000 से ऊपर पोस्ट जा चुकी हैं, ट्वीट्स जा चुके हैं #boycottPVR INX के साथ में, उसके शेयर्स बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा घाटा उसको देखने को मिल रहा है। दूसरा भाई होमवाले फिल्म प्रोडक्शंस ने बिल्कुल भी एक मिनट का समय नहीं गंवाया और उन्होंने तुरंत भयंकर स्टैंड लिया कि अगर तुम लोग हमें नॉर्थ में शोज नहीं दोगे तो भाई साहब हमें साउथ में भी नहीं चाहिए। भाई 80-90 हज़ार से ऊपर टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे, करोड़ों के टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे, उन्होंने सीधा होल्ड कर दिया है। भाई सीधा बोला है कि हमें साउथ में PVR INX पर अपनी मूवी नहीं चलानी है, जब हमें इतना सा घाटा वहाँ से झेल सकते हैं तो हम थोड़ा घाटा और भी झेल लेंगे। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो सालार को इतना घाटा फिलहाल नहीं होगा, ये अपना जो भी है वो तो निकाल ही जाएगी। हाँ वो चीज़ अलग है कि जो 1,000 करोड़ का पोटेंशियल इसमें देखने को मिल रहा था, 1,000 करोड़ टच करने का जो प्रिडिक्शन सेट हो रहा था, वो अब पॉसिबल होता नज़र नहीं आएगा। तो भाई साहब ये भी चीज़ माननी पड़ेगी कि यार होमवाले फिल्म प्रोडक्शंस ने बिल्कुल अपने गौरव का मान रखा और तुरंत रिटालिएशन में जो जवाब दिया है ना, वो बहुत ही भयंकर जवाब दिया है। मतलब अजय बिजली के लिए जो CEO हैं PVR INX के लिए, भाई आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब हो गया है। ठीक है कुछ टाइम बाद ये ज़रूर सॉर्ट आउट होगा, लेकिन अब जो है
होम वाली फिल्म प्रोडक्शंस इसको वापस लेते हैं नहीं लेते हैं वो चीज़ अलग है, वो चीज़ देखने लायक होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, PVR INOX को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, होम वाली फिल्म प्रोडक्शंस को इस टाइम और क्या स्टेप लेने चाहिए? दूसरा ये कि यार शाहरुख खान को भी भाई माफ़ी तो मांगनी चाहिए कि ऐसे चीज़ें नहीं करनी थी, एक अपॉलोजी तो बनती है यार, क्योंकि सालार प्रभास के लिए भाई कमबैक के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, उस बंदे के पास एक ही अपॉर्चुनिटी और वो भी ऐसे छीना जाएगा तो दिस इज़ नॉट अ फेयर फाइट यार। आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, आपको बहुत कुछ मिला है इस साल में, लेकिन अगले बंदे को नहीं मिला है, उसका हक ऐसे नहीं मारा जा सकता है। दैट्स वाई कि भाई आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि यहाँ पर और क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि प्रभास के जो फैंस हैं बिल्कुल उसके लिए फुल सपोर्ट दे रहे हैं, फुल अटेंशन दे रहे हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। सॉर्ट आउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।